हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ। अच्छा मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करता हूँ, चल भाई। तुम मुझे दोबारा नहीं मार सकते। नहीं, नहीं, नहीं। कोई बचाओ मुझे, बचाओ कोई, हेल्प मी, कोई बचाओ मुझे, बचाओ कोई, कोई बचाओ मुझे। यार टीपू ये देख, सोफा टेबल कितना खूबसूरत सा फर्नीचर है यार, है ना। ये सोफा छोड़, पीछे देख, पीछे खूबसूरत इसे कहते हैं। ओए क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? सर कुछ नहीं सर, आपके फर्नीचर की तारीफ कर रहे थे। सुना मैंने क्या बोला तुम? अगर फर्नीचर की तारीफ हो गई हो तो चलो निकलो यहाँ से। सर वो बाकी का सामान नहीं जमाना है क्या? कोई जरूरत नहीं, ये रखो अपनी बाकी की पेमेंट और निकलो। सर हमारी बख्शीश? बख्शीश? हाँ काम पूरा हो गया तो जाओ फिर निकलो। कमान कमान गो चल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने क्या किया? क्या किया? अकल है कि नहीं है तुम्हें? इस तरीके के वाहियात कपड़े पहन के इन लोगों के सामने आती हो। वाहियात? तुम्हारी इसी चीप ड्रेसिंग सेंस की वजह से ऐसे लो क्लास के लोग तुमसे अट्रैक्ट होते हैं। पर इन कपड़ों में चीप क्या है नितिन? शट अप, मुझे पलट कर जवाब मत देना आगे से। बच्चे को चुप कराओ और इस घर को सेट करो, मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, डिनर तक वापस आ जाऊंगा। जरूरत नहीं है, मम्मा है ना, ये आशियाना हमारा है और ये हमारा ही रहेगा, कोई नहीं छीनेगा हमसे, मम्मा का प्रॉमिस है। हाँ सो जा। कोई हाली हाली गाना
हेलो सोसाइटी ऑफिस सतीश जी जी बोल रहा हूँ एक्चुअली घर का एक दरवाजा लॉक हुआ पड़ा है खुल नहीं रहा है क्या आप प्लीज चेक करवा देंगे शायद दरवाजा जाम हो गया होगा मैं आके चेक करता हूँ ओके थैंक यू नहीं खुल रहा मैम क्या है इस दरवाजे के पीछे मेरे हिसाब से तो यहाँ स्टोर रूम होना चाहिए पर लॉक क्यों है पता नहीं शायद लॉक खराब है तोड़ना पड़ेगा तोड़ो इसे बड़ी अजीब बात है कि दीवार के आगे दरवाजा कौन बनवाता है नक्शे के हिसाब से तो यहाँ स्टोर रूम होना चाहिए था फिर दीवार कहां से आ गई मैं इसके बारे में चेक करके आपको बताता हूँ अरे चाबी चलो क्या हो सकता है इस दरवाजे के पीछे तुम अभी 1304 में शिफ्ट हुई हो ना हाँ मेरा नाम मालविका है और मैं भी यही रहती हूँ तुम्हारा नाम क्या है अश्वगंधा अरे बाप रे तुम इतनी छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी हो और तुम्हारा नाम इतना भारी भरकम वैसे प्यार से लोग मुझे आशु बुलाते हैं फिर ठीक है अच्छा वैसे तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर नाइस मीटिंग यू मालविका बहुत लेट हो गया है मुझे चलना चाहिए हाँ लेकिन यू नो व्हाट मैं यहाँ इस सोसाइटी में ना काफी टाइम से रह रही हूँ एंड आई लव दिस प्लेस आई एम श्योर तुम्हें भी यह जगह बहुत पसंद आएगी बाय किसी दिन फ्री रहो तो हम कॉफी पीने चले बाय बड़ी देर कर दी आने में अच्छा अब तुमसे पूछ कर आना जाना पड़ेगा मुझे नहीं मैं तो बस ऐसे ही क्या ऐसे हाँ जो मन में आएगा बोलोगी नहीं वो इस घर में एक अजीब बात है रियली और भी कुछ अजीब है इस घर में वो उस दरवाजे के पीछे दीवार है दीवार तू क्या क्या बोल रही हो तुम सोसाइटी मैनेजर ने कहा था उसके पीछे स्टोर रूम होना चाहिए था पर तुम जाओ जाके खाना बनाओ मैं देखता हूं क्या है रिडिकुलस इस बेवकूफ ने यहां दीवार खड़ी की है एक ढूंढो हजार मिलते हैं आशु अरे आशु सुनो ना यार इधर क्या हुआ नितिन पता नहीं ये दीवार के पीछे से कोई किसी ने मुझे हाथ समझ नहीं आ रहा आशु यहां पे दीवार के पीछे से आप
ठीक है ना? अरे हाँ यार, मैं ठीक हूँ यार। ये क्या कुछ है? छोड़ो ये बात नहीं करते हैं अभी। हो सकता है लॉयर आओ। हाँ चलो। आइए प्लीज कम। आकाश जी अब बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। आशु जी आप यहाँ बैठिए, मुझे आपकी मदर की विल के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। ऑफ कोर्स, अरे बैठो बैठो। हाँ बताइए क्या बात करें। आशु जी आपकी मदर अवंतिका जी की विल को ओपन कर दिया गया है और विल के हिसाब से उनकी सारी संपत्ति आपके नाम कर दी गई है। ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छी बात है। अब की मदर की सारी जायदाद का हक तो इसी का है। एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। वैसे आशु की सारी इन्वेस्टमेंट और फंड्स मैं ही हैंडल करता हूँ, सो यू कैन टेल मी। बताइए। इस बिल के हिसाब से तो ये सारे फंड सिर्फ आशु जी मैनेज कर सकती है। हाँ भगवान ना करे कि अगर आशु जी को कुछ हो गया तो यह सारे फंड्स उनके हस्बैंड यानी आपको मिल जाएंगे, या फिर उसे जिसे आशु जी ने नॉमिनेट किया। किसी ने ट्रिगर किया होगा एक ऐसा एक्शन जिससे ये हिप्नोटिक ट्रांस में चली गई हो। ट्रिगर? हिप्नोटिक ट्रांस? कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है मैं कुछ सोचता हूं। एक सेकंड, मैं करता हूं बाद में। श्रुति जब ये समय रहा यार, जब देखो रोती रहती है, एक पल भी चैन नहीं मिलता यहां पे। Thank you.
आशु, 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 आशु। क्या हुआ नितिन? क्या हुआ? काजी कमरे में पुपु पुपा एक और औरत आत्मा पंखे पे थी, मुझे मारना चाहती थी वो। आप क्या कह रहे हो नितिन? मुझे लगा आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। बुरा सपना? ये झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत करो, समझी? मैं कह रहा हूँ ना, कमरा है वहाँ पे, कमरा है, कोई है वहाँ पे, कोई कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं आप समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हमदर्दी मत दिखाओ प्लीज, मैं खुद देख लूंगा, तुम रहने दो। घर पहुंच गए हो? हेलो नितिन, नितिन आप अभी घर आ जाइए प्लीज। क्यों, क्या हुआ? नितिन पता नहीं कोई घर में घुस आया था और उसने मुझे और समायरा को मारने की कोशिश की। तुम एक काम करो, तुम दरवाजा बंद कर दो, कहीं मत जाना बात। हाँ मैं आता हूँ। ओके ओके, डोंट वरी। हाँ बाय। सॉरी, मैंने उसे कहा था कि रात को आए, दिन में कुछ भी हो सकता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। भगवान का शुक्र है तुम आ गई। क्या हुआ? हमने कोई गुस्सा आया था। क्या? और उसने मुझे और समायरा को मारने की कोशिश की। तुम ठीक तो हो ना? कौन था वो? हा? पता नहीं कौन था, शायद भाग गया। तो तुमने नितिन को फोन किया? हाँ मैंने उन्हें कॉल किया था, वो जल्दी फ्री होके आने की कोशिश कर रहे हैं। देखो तुम डरो मत, सब ठीक है। हाँ कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। हाँ रिलैक्स कर प्लीज, आज तुम यहाँ रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। वैसे भी तुम्हारे पतिदेव नितिन आते होंगे। नितिन को शायद टाइम लग जाए, प्लीज उनके आने तक तुम यहाँ रुक जाओ। टेंशन मत लो, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, समायरा का ख्याल रखो और दरवाजा लॉक करो, कुछ नहीं होगा। ओके मत डरो, चलती हूँ।
चलो कोई बात नहीं। आराम से एक स्टेप ऊपर, आराम से आराम से। नितिन मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? Just trust me, बस पहुंचे। हाँ क्या हुआ तारा? सरप्राइज। दिस इज फॉर माय लवली लवली वाइफ। तुमने इतना कुछ किया है मेरे, तो ये तुम्हारे लिए। आओ। मैं जानता हूं तुम्हें ये सब देखने की आदत नहीं है, बट अब आदत डाल, बैठो आराम से। आह कैसी लगी नितिन ये सब? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो एक टोस्ट। आशु मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आज जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, मुझे लगा कि मैंने हमेशा के, तब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। इसीलिए सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत नहीं है आज, मेरी भी। सो चीयर्स टू दैट। हाँ चीयर्स। अरे पियो। कैसा लगा? वेरी नाइस आशु। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके नितिन, ये सब बातें मत करो। ओके ठीक है, तो ये बातें नहीं करते। चलो मैं बताता हूं कि मैंने क्या प्लान किया है हम दोनों के लिए। हमारा सेकेंड हनीमून। मैंने प्लान किया है कि हम दोनों फ्रांस जाएंगे। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। सो वी लैंड इन फ्रांस, वी गो टू पेरिस। ये सब कुछ तुम्हारे लिए, सुन रही है ना तुम? हाँ और देखना, सामने खड़ा करूंगा तुम्हें आईफल टावर के। जानती हो कब से इंतजार कर रहा था इस मोमेंट का, जहां सिर्फ तुम और मैं अकेले हूं। आशु बेबी क्या हुआ? स्लीपी? सपने देख रही हो पेरिस के? मैं भी देख रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं भी तो ड्रीम कर रहा हूं। कब से ड्रीम कर रहा हूं कि कब ये मौका आए। राइट अब मेरा ये ड्रीम पूरा करने का टाइम आ गया है। मैं तो पेरिस जाऊंगा, अनफॉर्चुनेटली तुम नहीं जाओगे। कौन हो तुम? आशु कहाँ है? Oh.
क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट मालविका, सब बताता हूँ। बस 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 रुको। ओपन योर आईज। क्या है ये सब? बताता हूँ, जल्दी क्या है, बैठो। धीरज, ये सब क्या है? मालविका, मैंने सोचा कि आज की शाम को थोड़ा रोमांटिक बना दिया जाए। क्यों? बस मेरा मन कर रहा था। चीयर्स। एक मिनट। एक्चुअली मालविका, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या बात है, आज तुम मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हो। देखोगी? ओके। धीरज जी, ये गन यहाँ क्यों है? ये सिर्फ एक छोटी सी गेम है। देखो, मैंने ना इस गन में एक गोली डाली है, मैं इसको घुमाऊंगा और जिसकी तरफ ये पॉइंट करेगी वो अपने आप को शूट करेगा। क्या बचपना है ये? हाँ, मजाक बंद करो। मालविका, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझसे प्यार नहीं करती? तुम्हें शक है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? करती हो ना, तो फिर डरो मत। अगर मेरे प्यार के इम्तिहान का सवाल है तो मैं तैयार हूं। ये हुई ना बात। ओके, यह भी गो। ये देखो, पहली टर्न मेरी आ गई। धीरज, रिलैक्स मालविका, कुछ नहीं होगा। धीरज, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? प्यार का इम्तिहान है, देना तो पड़ेगा ही ना। कहा था ना मैंने कुछ नहीं होगा, तुम खामा खा डरती हो। कंटिन्यू करें? आई एम सॉरी बट इट्स योर टर्न नाउ। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हारी जैसी घटिया औरत की यही सजा थी। मेरे साथ साथ ना जाने कितने आशिक थे तुम्हारे, अब ऊपर जाके आशिकी करना, ऊपर जाके। मालविका, आई हेट यू। I really hate you. I really hate you. जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा नया घर, नई शुरुआत होगी, पर मैं थक चुकी हूं। माँ के चले जाने के बाद सब कुछ खराब लगने लगा। उनके बिना जीने का दिल नहीं है। मुझे माफ कर देना। समय और अपना ध्यान रखना।
आशु, इस घर में समायरा और तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा, नितिन भी नहीं। बस समायरा का ध्यान रखना, जिंदगी का हर दिन ऐसे जीना जैसे वो आखिरी दिन हो।